दोस्तों आपने 40 Mbps का प्लान लगवा के रखा है, लेकिन जब कोई चीज आप एक्चुअल में डाउनलोड करने जाते हैं सिर्फ आपको 4 से 5 Mbps की स्पीड देखने मिल जाती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं इतनी कम स्पीड हमें क्यों देखने मिलती है, दोस्तों इन दोनों Mbps के अंदर क्या डिफरेंस है, किस तरह से आपको वाईफाई प्रोवाइडर स्पीड के मामले में बेवकूफ बनाते हैं, आप कैसे बच सकते हैं। मैं होता से आप देख रहे हमारे चैनल एक्सप्लेनिंग बंदा। देखो दोस्तों पहले हम Mbps और Mbps इन दोनों Mbps के अंदर क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों Mbps के अंदर सिर्फ एक अल्फाबेट का चेंज है दोस्तों, एक छोटे बी वाला Mbps और एक बड़े बी वाला Mbps है। यहाँ पर दोस्तों जो छोटे बी वाला Mbps है वो दोस्तों एक्चुअल में इंटरनेट की स्पीड जो होती है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है, लेकिन दोस्तों जो बड़ा Mbps वाला है वो दोस्तों हमारे जो जब डाउनलोड करते हैं कोई चीज तब वो दोस्तों बड़े Mbps के अंदर जो है वो मेजर होती है। जब भी कोई भी आप दोस्तों वाईफाई प्रोवाइडर के पास जाते हैं या फिर कोई भी ऐसी ब्रॉडबैंड वाली जो साइट पे जाते हैं तो वहां पर जितने भी आपको प्लान देखने मिल जाते हैं वो छोटे Mbps वाले देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पर छोटे Mbps और बड़े Mbps में एक डिफरेंस ये है दोस्तों कि जो बड़ा वाला Mbps है उसके अंदर दोस्तों 8 बिट जो है वो समाय हुए, यानी कि दोस्तों जो एक ये आपको 40 Mbps का प्लान दिख रहा है वो दोस्तों छोटे बिट से यानी कि मेगा बिट से, और दोस्तों जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वो मेगा बाइट्स बन जाता है, यानी कि दोस्तों जो 1 MB होता है यानी कि 1 MB बराबर 8 छोटे बिट्स। अब दोस्तों आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि समझे दोस्तों आपने 40 Mbps का प्लान लगा कर रखा है जो छोटा Mbps है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब एक्चुअल में आप उसको Mbps के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको आपको डिवाइड बाय 8 करना होगा, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि 1 MB बराबर जो है 8 MB होते हैं। तो दोस्तों जो आपका 40 Mbps है उसको हम डिवाइडेड बाय 8 कर रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल स्पीड जो निकल के आने वाली है जब आप उसको लगवाएंगे तो दोस्तों आपको सिर्फ 5 Mbps की स्पीड देखने मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जितने भी प्लान की बात करें उसको दोस्तों आप डिवाइड बाय 1 कर लेंगे तो आपकी जो स्पीड होगी वो एक्चुअल स्पीड आपको डाउनलोड करते हो क्या देखने मिलने वाले वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारी सोच क्या रहती है कि 40 Mbps का प्लान लगवा लेंगे जिससे क्या होगा 5 घर में बंदे है तो 8 Mbps पर हेड हम आसान से चला लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, जो एक्चुअल स्पीड होगी सिर्फ आपको 5 Mbps ही देखने मिल जाएगी। दूसरी बात दोस्तों हम ये सोचते हैं कि 40 Mbps का प्लान लगवा हो तो कोई भी 40 MB की फाइल है या फिर वीडियो है वो सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन दोस्तों वो 1 सेकंड में नहीं होगा क्योंकि दोस्तों जब मैं एक्चुअल स्पीड होगी वो दोस्तों 5 Mbps होने वाली है, बड़े Mbps की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों वो वीडियो 40 MB की जो वीडियो होगी उसको डाउनलोड करने के अंदर 1 सेकंड लगने वाले हैं। अगर दोस्तों आप 100 Mbps का जो प्लान लेते हैं तो आपको 12.5 से 13 Mbps की स्पीड देखने मिल जाएगी, आप उसको आसान से डिवाइड कर सकते हैं। अगर दोस्तों जब भी आप कोई भी प्लान लगवाने जाते हैं तो आप वाईफाई प्रोवाइडर से एक्चुअल में पूछे कि जो बड़े Mbps की वाली बात कर रहे हैं जो छोटे Mbps वाली बात कर रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप यहीं तक वीडियो देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं आप कैसे बच सकते हैं जो आपको वाईफाई प्रोवाइडर किस तरह से बेवकूफ बनाता है। देखिए दोस्तों जो भी आपको स्पीड बताई जाती है वो छोटे Mbps में होती है, लेकिन दोस्तों अगर हम टेक्निकल नजरिए से देखते हैं तो वो आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है, लेकिन जो एक्चुअल स्पीड जो है वो इंटरनेट की स्पीड जो Mbps के अंदर ही आती है जो छोटे Mbps है, तो वहां पर दोस्तों एक अगर हम एक नजरिए से देखते हैं हमारे नजरिए से तो जो उसकी फर्ज बनता है कि आपको बताए कि एक्चुअल स्पीड क्या देखने मिलेगी। लेकिन अभी मैंने जितने भी बंदे देखे जिसके घर वाईफाई लगा हो वो उनकी सबकी एक ही कंप्लेन लेती है कि जो हमें बताया गया है उससे काफी कम स्पीड देखने मिलती है, क्योंकि दोस्तों उनको ये Mbps और ये Mbps इन दोनों Mbps के अंदर जो क्या डिफरेंस है वो उनको पता ही नहीं, इसीलिए वो दोस्तों हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं अपने वाईफाई प्रोवाइडर से कि भाई स्पीड नहीं आ रही, तूने इतना बोला था उतना बोला था। लेकिन दोस्तों जब उसके सामने वो अपने वाईफाई की जो है स्पीड टेस्ट करता है तो आपको जो स्पीड देखने मिलती है वो दोस्तों वो जो बताता है उतनी ही देखने मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जो भी स्पीड टेस्ट वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो भी साइट्स होते हैं वो दोस्तों आपको छोटे Mbps के अंदर ही स्पीड को जो है वो मेजर करके देंगे, वही स्पीड आपको बताएंगे, जिससे हमें क्या होगा कि हमें वाईफाई प्रोवाइडर कहेगा कि भाई जो मैंने बताया था वही स्पीड आ रहे। लेकिन दोस्तों जो हम ये कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लेते हैं तो दोस्तों आपके ये जो है वो सारी कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो जाएंगे और आपका जो भी कंप्लेंट्स होगी वो आप नहीं करने वाले। यहाँ पर आपके पैसे कैसे बच सकते हैं कि अगर आपने अभी तक वाईफाई नहीं डलवाया है तो फिर दोस्तों आप जो भी प्लान पसंद करेंगे तो उसको आप एक्चुअल जो स्पीड आने वाली है वो एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही डलवाइए तो आपके पैसे बच सकते हैं। एंड दोस्तों अभी से पहले से आपने जो है वो प्लान डलवा के रखे तो फिर दोस्तों आप नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर उसको चेंज कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो आपको जितनी भी स्पीड की जरूरत वो एक्चुअल में आपको मिल पाए। तो उम्मीद दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इन दोनों Mbps के अंदर क्या डिफरेंस होता है, आपको किस तरह से बेवकूफ बनाता है, कैसे बच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे यहाँ पर आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिसके अंदर भी ये दोस्तों उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे उनके पैसे भी बच सके। उम्मीद दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियो के देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक किए बिना मुझे पता आप नहीं जाएंगे। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।